कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच ऑक्सीजन को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। अब इस विवाद में एक नया एंगल सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की एक पैनल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के पीक पर जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की थी। इससे उत्तर भारत के 12 राज्यों की सप्लाई पर असर पड़ा था। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर में केंद्र से 1140 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ऑक्सीजन दिल्ली की जरूरत से 4 गुना ज्यादा थी। दिल्ली में उस समय जितने ऑक्सीजन बेड थे उसके हिसाब से दिल्ली को मात्र 289 टन ऑक्सीजन की ही जरूरत थी। रिपोर्ट पैनल आने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि केजरीवाल में कुछ भी शर्म बची हो तो उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने इतने भयावह और महामारी के समय में देश के अंदर गंदी राजनीति खेली। जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।